नमस्कार, मैं हूं हरदविंदर। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉग्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं हम ब्लॉग्स? ब्लॉग्स बनाते हैं हम अपने एक वेबसाइट की तरह ही। ब्लॉग्स होता है कि आप अपने खुद की वेबसाइट है, लेकिन ब्लॉग्स बनाने के लिए कोई ज़्यादा कोडिंग या टेक्निकल स्किल आपके पास नहीं होनी जरूरी नहीं है। तो आप सिंपल, ये अगर आप को ज़्यादा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो भी आप खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने का यूजेस क्या है? ब्लॉग बनाने का मेन पर्पज़ होता है कि आपने अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी कोई व्यूज़ ऑडियंस को शो करना चाहते हैं, उनके साथ पब्लिश करना चाहते हैं। कोई गूगल पे सर्च करे तो आपकी साइट खुल जाए सामने। तो आप ज़्यादा प्रोग्रामर भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपने आपके कुछ अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ या अपने कुछ प्रोडक्ट्स पब्लिश करना चाहते हैं नेट पे, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। जो ब्लॉग्स बनाते हैं उनको ब्लॉगर्स कहते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं उनको सॉल्व करके दोबारा से उनको भेजूँ। तो ऐसे आप कुछ ब्लॉग बना लीजिए मैथमेटिक्स के लिए। तो लोग गूगल पे सर्च करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, तो आपका ब्लॉग सामने आ जाएगा और उसके नीचे आपने उसका सोल्यूशन दिया होगा। लोग उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि उनको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं अंडरस्टैंड हुआ, या कोई और क्वेश्चन है उनका तो भी वो सेंड कर सकते हैं। तो आप भी सर्च करते होंगे इंटरनेट पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस। तो ब्लॉग बनाना कैसे है, सिंपली आपको सिखाता हूँ। तो सिंपली आप एक वेबसाइट खोल सकते हैं, blogger.com। जैसे मैं आपको सिंपली एक ब्लॉग बनाया हुआ है अभी अपना, वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने खोला हुआ है hardwinder22blogspot.com। तो ये एक ब्लॉग बना हुआ है आपके सामने ऑलरेडी। तो जिसमें मैंने दो पोस्ट की हैं, दोनों आज ही की हैं, फरवरी 2, 2022 को। तो ये बनाना क्या है, सिंपली बहुत इजी है। blogger.com खोलिए। blogger.com खोलने के बाद आपने, थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से, स्पीड सम होने की वजह से शो ऑफ नहीं हो रहा। तो blogger.com खुलेगी आपके सामने और उसके बाद आपने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है और देन इट विल आस्क फॉर योर ईमेल आईडी एंड जीमेल अकाउंट। एनी यू कैन एंटर योर जीमेल अकाउंट एंड देन इट विल क्रिएट योर अकाउंट। सिंपली आई वॉन्ट टू क्रिएट विद हरदविंदर सिंह। तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड द ब्लॉग विद दिस आईडी, तो इट विल डायरेक्टली टेक मी टू माई अकाउंट। तो ये मेरा ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ, अगर आपका नहीं बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा इजीली, बहुत इजीली। बस ईमेल एड्रेस भेजना आपने और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली कुछ नेम्स चेंज करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के, तो कुछ आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनेज अकाउंट पे जाके कर सकते हैं। कोई नई पोस्ट डालनी है तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे सिंपली, और यहाँ पे आप पोस्ट बनाओगे। सपोज मैं पोस्ट बनाना चाहता हूँ टर्म टू मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ 10th क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट्स। तो आप इसको पब्लिश कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और मैं दोबारा से, अगर कोई भी मेरा यहाँ से ब्लॉग खोलेगा हरदविंदर सिंह और 22blogspot.com, तो बच्चे यहाँ पे उनको ये पोस्ट आ जाएगी और वो पोस्ट कमेंट कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर। यस आई हैव सम डाउट्स इन ट्रिगोनोमेट्री। स्पेलिंग्स मिस्टेक, ट्रिगोनोमेट्रीज। तो यहाँ पे एनीबॉडी कैन कमेंट लाइक दिस। तो इन दिस वे अननोन पर्सन से आपको कमेंट्स आ गए हैं, तो ऐसे आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। दिस वे दैट्स अ वेरी इजी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कैसे एक सिंपल ब्लॉग बनाना है, और खुद बनाइए और इसको पब्लिश कीजिए। अगर आपका मोस्ट व्यूड हो जाता है
ब्लॉगर, उसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ कर देते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट, तो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस ऑल्सो। जितने विजिटर्स इस पे जाएंगे उतने पैसे आप इससे कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।